नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजली एंड व्हाई? कहानी में कितने लोग भुट्टा आसानी से खा सकते हैं और क्यों? आंसर होगा, इन दिस स्टोरी टू पीपल विपुल एंड हिज मदर कैन ईट भुट्टा इजली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा? व्हाई? क्या बूढ़े लोग भुट्टा खाते हैं? क्यों? आंसर होगा, नो, ओल्ड पीपल कैन नॉट ईट कॉर्न बिकॉज देयर टीथ आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 4 months चुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, दैट इज हर ओनली फूड, वाई? 4 महीने के लिए चुटकी सिर्फ अपनी माँ की दूध पिएगी, उसके लिए सिर्फ यही खाना है, क्यों? आंसर होगा, फॉर 4 months चुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क बिकॉज चिल्ड्रेन हैव नो टीथ एंड मदर्स मिल्क प्रोवाइड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट कह रहा है, आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द टेबल। अपने बड़ों से पूछो और तालिका में भरो। क्या हो जाएगा? व्हाट कैन दे ईट और व्हाट दे कैन नॉट ईट। तो एक साइड ये दिया हुआ है वे क्या खा सकते हैं और एक साइड दिया हुआ है कि वे क्या नहीं खा सकते। तो क्या हो जाएगा? चाइल्ड क्या खा सकते हैं वे? तो सिर्फ वो मिल्क पी सकते हैं। और क्या नहीं खा सकते? तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फिर कुछ भी, वो बच्चे तो कुछ नहीं खा सकते। फिर है यंग, यंग क्या खा सकते हैं? तो वो तो सभी कुछ खा सकते हैं, राइस, ब्रेड, भुट्टा, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं खा सकते। ओल्ड, ओल्ड क्या खा सकते हैं? तो राइस, दाल, वेजिटेबल, रोटी। और क्या नहीं खा सकते? तो भुट्टा, चना, शुगर कैन और कोकोनट। सो दिस वॉज अबाउट थिंग्स दैट वी कैन और कैन नॉट ईट। तो यह वह चीज़ें थी, हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। डू वी ईट ऑल द थिंग्स दैट वी कैन ईट? क्या हम सभी चीज़ें खाते हैं जो हम लोग खा सकते हैं? नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। लेट अस टॉक अबाउट दोज थिंग्स दैट वी डू ईट। आइए बात करें उस वस्तुओं के बारे में जो हम लोग खाते हैं। पुट सर्किल ऑन द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन। गोल घेरा लगाए जो आप हमेशा खाते हैं। तो आप हमेशा क्या क्या खाते हैं? तो आप हमेशा क्या क्या खाते हैं उस पर सर्कल करना है। तो ये आप खुद से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अक्सर खाते हैं, तो क्या हो गया? राइस, राइस मीन्स क्या होगा? चावल। मेज, मेज मीन्स मक्का या फिर भुट्टा। वीट, वीट मीन्स गेहूँ। मिलीट, मिलीट मीन्स बाजरा। बार्ली, बार्ली मीन्स जौ। कप्पा या फिर टोपियोका क्या हो जाता है? ये साबूदाना होता है। ओट्स, ओट्स मीन्स जई। रागी, रागी मीन्स ज्वार। मोस्ट ऑफ आवर फूड इज मेड ऑफ दिस थिंग्स। हमारा भोजन ज़्यादातर इन चीज़ों से बना है। डिपेंडिंग ऑन वॉट ग्रोज इजली एट विच प्लेस, डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस। निर्भर करता है कौन सी जगह पर कौन सी चीज़ें आसानी से उगती है। अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पर खाई जाती है। फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दिस थिंग्स इज ईटन मोर। पता करें ये सभी वस्तु कहाँ ज़्यादा खाई जाती है। वी नॉट ओनली ईट डिफरेंट थिंग्स बट वी ऑल्सो यूज द सेम थिंग्स टू प्रिपेयर ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। हम सिर्फ अलग चीज़ें नहीं खाते, हम एक ही से विभिन्न प्रकार के खाना बनवाते हैं। फाइंड आउट एंड राइट व्हाट ऑल कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम राइस एंड व्हीट। पता करें और लिखें गेहूँ और चावल से कितने सारी चीज़ें तैयार की जा सकती है। वीट से क्या क्या होता है? तो वीट से चपाती बनती है, हलवा बनता है, तंदूरी रोटी, ब्रेड, पूरी, पॉरिज। और राइस से डोसा, पुलाव, बिरयानी, खीर और पुडिंग, पोहा और इडली। हाउ मैनी थिंग्स डिड यू राइट? आपने कितना सारा चीज़ लिखे। सिमिलरली डिफरेंट पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट इत्यादि आर रिटेन इन डिफरेंट प्लेसेस। उसी तरह अलग अलग दाल, सब्जी, फल, मांस और इत्यादि अलग अलग जगहों पर खाए जाते हैं।
पीपल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, लोगों के अपने पसंद और नापसंद होते हैं। लेट अस टॉक अबाउट इट, आइए इस पर बात करें। तो ये बात अगले सेशन में करेंगे, हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। Thank you.